गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाः। सद्गुरु सेति विनति परब्रह्म सु परणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किया ना सत विघ्न अनेक। बोली राम जी महाराज की जय जयकार। बहुत धीमे बोल रहे हो, प्रसाद तो सबने किया है ना, कोई ऐसे तो नहीं जिन्होंने प्रसाद नहीं किया हो। जोर से जय जयकार लगाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद गण आनंद स्वरूप श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम आराध्य पूज्य प्रवर गुरु महाराज बाबजी महाराज खेड़ापा महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान सभी संत वृंदों को सादर वंदन। राम जी राम महाराज एवं सत्संग सभा में विराजमान समस्त भाई लोग माताओं बहनों का सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबको सप्रेम राम जी राम। हैदराबाद वासियों का सिकंदराबाद वासियों का सभी को राम जी राम महाराज। सब बोले राम जी राम। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आप हम सभी को महापुरुषों की परम पावन मंगलमयी वाणी स्वरूपा सत्संग का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और वो भी इस घोर कलिकाल में। कलयुग की बड़ी भारी विशेषता बताई गई है। वैसे तो सब लोग कलयुग की निंदा ही करते हैं कि कलयुग का समय आ गया है, धर्म कर्म रहा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन संत महात्माओं ने भागवत आदि ग्रंथों में कलयुग की बड़ी भारी महिमा बताई है कि कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतरही पारा। कलयुग में अगर कोई प्राणी भगवान के नाम का आश्रय ले लेवे तो कलयुग में सहज ही भगवान भवसागर से पार होने का रास्ता प्राप्त हो जाता है, अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय ले लेवे। और एक और बहुत बड़ी कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में अगर कोई आप शुभ संकल्प करने का विचार करते हैं, कोई धर्म कार्य करने का विचार करते हैं, तो धर्म का कार्य करने का विचार करते ही आपको धर्म का लाभ प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई आपके मन में दुर्भावना आती है और वह दुर्भावना जब तक आपने क्रियान्वित नहीं की है, आपने वह दुर्भावना को क्रियान्वित नहीं किया है, अभी कार्य किया नहीं है, तो उसका कोई आपको जो है दुष्प्रभाव या दुष्फल आपको मिलता नहीं है। इतनी बड़ी भारी कलयुग की विशेषता है। तो इस कलिकाल में और उसमें भी आप लोग अपने जन्म स्थान से इतने दूर बैठे हैं, वहाँ पर भी आपके ही क्षेत्र से महापुरुषों के दिव्य वाणी का प्रवचन लेकर के संत महात्मा पधारे हैं, तो निश्चित ही आपका सौभाग्य, हम सभी का सौभाग्य बड़ा मंगलमय है
जो संतों की वाणी का लाभ हैदराबाद में बैठ करके मिल रहा है। देखो आप लोग राजस्थान मारवाड़ से हैदराबाद सिकंदराबाद आ गए हैं ना, तो भी आपके नाम के पीछे एक छाप लगी हुई है। क्या छाप लगी हुई है? मारवाड़ी है। क्या है? मारवाड़ी। पहले कहावत हुआ करती थी, जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जहां गाड़ियां नहीं पहुंचती थी वहां पर मारवाड़ी काम धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए चले जाते थे। तो एक बात समझने की है, इसमें थोड़ा दिमाग पर जोर देना, कि जैसे आप मारवाड़ से हैदराबाद इस तेलंगाना में आंध्रा में आप लोग आ गए हैं, तो आपके पीछे मारवाड़ी नाम की विशेषण आपके साथ में जुड़ गया है। ऐसे ही एक बात ध्यान रखना, यह जीव कोई भी शरीर में प्रवेश करे, कोई भी जाति में जन्म लेवे, लेकिन यह भगवान का है, यह कभी नहीं मिटता, यह भगवान का, यह बात हमारे साथ में सदैव जुड़ी हुई है। जैसे आप अपने पैतृक गांव को नहीं भूलते हैं, कि भूल गए अपने गांव को, आपके शादी विवाह का काम हो या सांसारिक कोई व्यवहार का काम हो, तो यहां से काम धंधे को छोड़ करके किसी को संभला करके आप लोग मारवाड़ जाते हो और अपने पैतृक गांव में जाकर के वो कार्य करते हो, क्योंकि आप वहां से जुड़े हुए हो, आपके साथ में मारवाड़ीपना जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम संसार में जिस भी योनि में जन्म ले ले में, या चाहे हमारा किसी भी मनुष्य जीवन में आने के पश्चात भी, ये तो हमारी वर्ण व्यवस्थाएं हैं, बोले साहब ये जाट है, ये माली है, ये प्रजापत है, ये राजपुरोहित है, ये फलानी जाति के देवासी है, और ये जो है ये इस पटेल समाज के हैं, ये हमारे जन्म लेने के पश्चात की जातियां हैं। लेकिन मूलतया मुख्यतया मुझे लगता है कि हैदराबाद वाले और सिकंदराबाद वाले तो अच्छी तरह से जान गए, यहाँ पर हमें अलग अलग नहीं रह करके और यहाँ पर हिंदू और सनातनी बनकर रहेंगे तभी यहाँ पर बात बनेगी। ये बात हम मारवाड़ में रह करके अच्छी तरह से सुनते हैं, खास करके इस क्षेत्र की बात, इस संसदीय क्षेत्र की बात, इस विधानसभा क्षेत्र की बात, ये हमें अच्छी तरह पता है कि आप लोगों को एकजुट होकर के और एकता बनकर के, एक जैसे एक रस्सी होती है ना, एक धागा होता है, वो धागा कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वही धागे सैकड़ों मिलकर के रस्सी बन जावे, तो आपने बचपन में संगे शक्ति कलो युगे एक पाठ पढ़ा होगा, जिसमें हमें भी पढ़ाया गया था, हम जब छोटे थे पांचवी क्लास की पाठ में पढ़ाया गया था, एक लकड़ी को हाथ में दे दी जाए किसी के हाथ में, तो एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देवे, लेकिन अगर दो चार पांच लकड़ियां हाथ में दे दी जावे और तोड़ने को कहे, तो पांच लकड़ियां छह लकड़ियां टूट नहीं सकती, क्योंकि वो लकड़ियां इकट्ठी हो गई। एक तिनका कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक तिनका अगर 50-60-100 तिनके हो जावे और एक रस्सा बन जावे, तो मदोन्मत हाथी को भी वो बांध करके और एक जगह खड़े रखने में सक्षम हो जाता है। क्यों? कि उसके अंदर सैकड़ों हजारों तिनके उसके साथ में जुड़ गए। ऐसे ही यह जो व्यवस्थाएं हैं, ये ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यवहारिक काम हमारे होते हैं, लेकिन एक बात पक्की मान लेनी चाहिए कि हमारा सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है, तो वो मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ है। मानव धर्म ही हमारा सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने एक संस्कृत में बात कही है, वसुधैव कुटुंबकम, कभी पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, मानी वसुधा पर जितने भी हैं वो हमारे सब क्या है? कुटुंब है। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारा शास्त्र क्या बोलता है कि कोई भी असहाय व्यक्ति हो, आप रोड पर चल रहे हो और कोई वृद्ध पुरुष हो, और अगर वो रोड पार करने में असक्षम है, वो चल नहीं पावे, बार बार इधर से उधर गाड़ियां आ रही है,
और वो अगर रोड पार करने में असक्षम है तो आपका धर्म क्या बोलता है? आप जाकर के उनको जाति पूछोगे क्या कि आपकी जाति क्या है? आप हमारी बिरादरी के, हमारी जाति के होंगे तो भी हम आपको हाथ पकड़ करके उसके पार लगाएंगे। हमारी धर्म बोलता है, हमारा शास्त्र बोलता है कि उस जगह आपका मानव धर्म यही है कि उस वृद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उस पार से इस पार लेकर के आएंगे। ये हमारा मानव धर्म कहलाता है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा शाश्वत धर्म है। हमें हमारा हिंदू धर्म, हमें हमारा शाश्वत धर्म क्या सिखाता है? हमें हमारे महापुरुष, संत महापुरुष अनुभव वाणी में हम लोगों को क्या निर्देश करके गए हैं? हम अगर उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो भला बताइए और कौन करेगा? शास्त्रों में कहा गया, महाजनो येन गता सपन्ता, जिस मार्ग पर हमारे महाजन चले हैं, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले हैं, जिस मार्ग पर हमारे बड़ेरे चले हैं, अगर हम उन्हीं मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे पूर्वजों ने उस स्थान को प्राप्त किया है, और अगर हम भटक गए तो हमारा कोई भी रास्ता तय नहीं होगा। हम तेजाजी महाराज की बात करते हैं। तेजाजी महाराज का जीवन का आदर्श कैसा था? उनका जीवन का आदर्श था एक गौ के बछड़े की रक्षार्थ और एक गुजरी ग्वालिन के कहने पर गायों की रक्षार्थ और एक सांप को अपना वचन देकर के गए बंबी पर, और महाराज शरीर का प्राण न्योछावर कर दिया लेकिन वचन को उन्होंने लोपा नहीं, वचन पर अडिग रहे, वचन पर कायम रहे। तो उनकी हमें सीख क्या लेनी चाहिए कि उन्होंने वचन पर दृढ़ रहे। संत लक्ष्मीदास जी महाराज, उन्होंने नम्रता की कितनी बात बढ़ाई, विशेष बात बताई कि निवण 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 वाली बात बताई उन्होंने, निवण निवण नम्रता की सबसे बड़ी बात बताई है कि अगर कोई नम्रता सीखे तो वास्तव में नम्र वही व्यक्ति है जो लोगों के आगे झुकता हो, लोगों के आगे प्रणाम करता हो, और अपने जीवन में अगर कितनी भी बड़ी ऊंचाई क्यों न प्राप्त कर जावे, कितनी भी उसकी संपदा उसको प्राप्त क्यों नहीं हो जावे, लेकिन जिस व्यक्ति को नम्र होना नहीं आता है, झुकना नहीं आता है, वह व्यक्ति भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो जावे लेकिन वास्तव में उसने बड़प्पन प्राप्त नहीं किया है, वो झुका नहीं है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। श्री खेताराम जी महाराज जैसे महापुरुष जिन्होंने केवल मात्र एक भगवान का आश्रय लेने की बात बताई, ऐसा परिचय, ऐसा पर्चा दिया, उस टीटी वाली बात हमने सुनी महाराज, वो रेल की रेल रुक गई उनके तपस्या के प्रभाव से, एक कदम भी रेल आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उन्होंने भजन किया था, दृढ़ निश्चय किया कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, तो उनके निश्चय के कारण आज समाज उनके आदर्शों पर चलता है। श्रीयादे मां जिन्होंने भगवान के नाम की बड़ी अद्भुत चर्चा भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी के समय में बताई थी, जिस समय में बिल्ली के नन्हे मुन्ने बच्चे एक कच्ची मटकियों के अंदर बिल्ली ब्या गई और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, ये बात मात्र सिरियादे जी को पता थी, उनके पति को भी पता नहीं थी, और उनके पति ने उन माटी के घड़ों को पकाने के लिए न्यावड़े में रख दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। इतने में सिरियादे माँ आई, सिरियादे माँ को पता चला कि बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे इन कच्चे घड़ों में थे और मेरे पतिदेव को पता नहीं था। चारों तरफ परिक्रमा करती करती राम 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 का उच्चारण करती परिक्रमा करती गई, जो ही न्यावड़ा ठंडा हुआ, माटी के घड़े पक गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बिल्ली के बच्चों के बाल भी नहीं जले, बिल्ली के बच्चों के जलने की बात तो बड़ी दूर है। उस दिन से प्रहलाद जी महाराज के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि अगर कोई भगवान के शरणागत हो जावे तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, भगवान की शरणागति होना है हमें। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, हमने आज सुना कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज से 20 वर्ष पूर्व यहाँ एक पुलिस ग्राउंड करके है, वहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सत्संग हुई थी, 20 वर्षों से भी पूर्व की बात है, और उस सत्संग प्रवचन के दौरान अनेकों अनेकों बातें बताई। उसमें मुख्य बात स्वामी जी महाराज यही फरमाते थे कि येन केन प्रकारेण भगवान के शरणागत हो जाओ। जो प्राणी भगवान के शरणागत हुआ है उसकी भगवान ने रक्षा करी, भले ही वो रावण का भाई भी क्यों ना हो,
रावण का भाई था विभीषण, और युद्ध से पहले रावण ने लात मार करके विभीषण को भगा दिया। लोग बोलते हैं साहब ये तो रावण का व्यवहार अच्छा नहीं था, उसने लात मार करके विभीषण को भगा दिया। आप लोग सुंदरकांड का पाठ तो करते होंगे, सुनते होंगे ना, उसमें आती है ना कि लात मार करके विभीषण को भगा दिया। लेकिन रामायणकार क्या बोलते हैं कि लात मार करके विभीषण को भगाया नहीं था, अपितु अपने मेरा कल्याण जल्दी से जल्दी हो इसलिए विभीषण को जानबूझ करके रावण ने भेजा, जा भगवान के पास में, तू जाएगा तो ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा मेरा कल्याण नहीं होगा। तो शरणागत गए। सुंदरकांड में आता है, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनही विलोकत हानि। जो भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागत में आ जाता है, और कोई शरणागत व्यक्ति को शरण में आने पर मेरी हानि हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं इसको मेरी शरण में लूंगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, यह सोच करके अगर कोई शरणागत व्यक्ति को ठुकराता है तो भगवान श्री राम बोलते हैं उसका मुंह देखना भी पाप के समान है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान कौन से हमारी रक्षा नहीं करेंगे, अवश्य ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हम भगवान की शरण में चले जाएं तब बात बनेगी। अरे भाई, भगवान का स्पर्श होने मात्र से, भगवान के नाम के प्रभाव से, तो संतों की वाणी में बताया है पत्थर तिर गए पत्थर। श्री दयाल जी महाराज की वाणी में है, राम नाम तत्सार भजमन राम नाम तत्सार, निश्चय जान तिरे क्यों नाही पत्थर हो गए पार, भजमन राम नाम तत्सार। पत्थर भी पार हो गए। आपको पता होगा जब सेतु बंद हो रहा था तो हनुमान जी महाराज और बड़े बड़े बानर लोग हाथ में चौक लेकर के, हाथ में कोयला लेकर के, और बड़े बड़े शिलाखंड पर राम राम लिख करके और वो समुद्र पर डाल रहे थे। तो भगवान ने विचार किया, भाई मेरे नाम से पत्थर तिर रहे हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं मेरे हाथ से ही पत्थर डालूं ताकि वो तिर जावे। ध्यान से सुनना हो, भगवान ने विचार किया कि जब मेरे नाम से ही पत्थर तैर रहे हैं तो अगर मैं अपने हाथ से पत्थर डालूं तो वो तो तैरेगा ही। भगवान ने क्या किया कि बोले भाई सबके सामने अगर मैंने पत्थर डाला और डूब गया तो नाक मेरी कट जाएगी। भगवान ने एक तरफ गए, एक तरफ जाकर के एक पत्थर हाथ में उठाया, पत्थर उठा करके और धीरे से समुद्र में पटका कि छोड़ते ही पत्थर तो सीधा पेंदे में चला गया। राम जी ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, इतने में नारियल के पेड़ से हनुमान जी कूद पड़े, जय श्री राम। हनुमान जी को देखते ही भगवान ने कहा, अरे हनुमान तूने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने देख लिया, आपके हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर पानी में डूब गया। अब तू क्या करेगा? भगवान ने कहा हनुमान जी से। हनुमान जी ने कहा, मैं तो ढिंडोरा पीट पीट करके प्रचार करूंगा कि भगवान के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूब गया, भगवान के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूब गया। तो हनुमान भगवान बोलते हैं, अरे तू मेरा भक्त है कि मेरा विरोधी है? ये काम तो विरोधी लोग करते हैं, दुष्प्रचार, तो तू मेरा दुष्प्रचार करेगा? भगवान हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं दुष्प्रचार नहीं करूंगा, अभी तू दुनिया को ये बोलूंगा कि जिसको भगवान अपनी शरण में लेते हैं वो तो भवसागर से पार हो जाता है, और जिसको भगवान छोड़ देते हैं वो भवसागर में डूब जाता है। हे नाथ, आपने मुझे शरण में ले लिया तो मेरे जैसे वानर का भी उद्धार हो गया, और आपने अपने हाथों से पत्थर छोड़ दिया तो वो पत्थर समुद्र में डूब गया, इसलिए हे नाथ मैं तो आपके शरण में रहना चाहता हूँ। यही हमारे महापुरुष श्री रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज, दरियाव जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, ये सब महापुरुष भी हमें भगवान की शरणागति की बात बोलते हैं कि भगवान की शरणागति प्राप्त करें, भगवान के नाम का जप करें। यह तो हुई आध्यात्मिकता की बात। अब मुख्य रूप से बात वर्तमान परिवेश में हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखो उपदेश की बात है तो हम आपको बोलेंगे तो आप 10-15 मिनट आधा घंटे सुन लोगे, फिर सुन करके चले जाओगे और भूल जाओगे, सीधी बात ये। ज़्यादातर सत्संग की बात का यही होता है, सत्संग की बात आपने हजारों बार सुनी होगी, ऐसी नहीं कि नहीं सुनी होगी। घर में टीवी टेलीविजन में इतने चैनल आते हैं कि दिन भर कथा सुनो, भले दिन भर सत्संग सुनो, माताएं बहनें दिन भर मन नहीं लगता है तो सत्संग के चैनल लगा लेती,
कोई कथाकार कभी कथा करे, कोई कथाकार कौन कथा करे, बार बार सुनते हो, लेकिन उन सुनी हुई बातों का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है कि वो बात अपने खुद के लिए नहीं सुनते हम, हमारे जीवन के उद्धार के लिए हम उस बात को हमारे सुधार के लिए नहीं सुनते हैं। और जब तक व्यक्ति बात अपनी मान करके नहीं सुनेगा, वस्तुतः वर्तमान में व्यक्ति वही बात सुनता है जो उसको अपने हितकारक लगती है। हितकारक माने चाहे वो रुपए टक्की की बात हो, सबकी, आपकी हो चाहे हमारी हो, सबकी ही बात, चाहे व्यापार की लेन देन की बात हो, वही बात सुनता है जिससे मेरा भौतिक लाभ हो, जिससे मेरा सुख मौज ऐस मौज हो जावे, यही व्यक्ति बात सुनता है। इसके अतिरिक्त बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की तो जानकारी नहीं है। शरीर के दो पहलू है, इस जीवन के दो पहलू है, एक तो है शरीर और एक है आत्मा। ध्यान से सुनना, आत्मा के बिना शरीर का कोई तात्पर्य नहीं और शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है। महत्व अगर शरीर में से आत्मा निकल जावे तो फिर क्या होगा, कितनी देर रखोगे बताओ आप? नहीं रखोगे ना। अगर शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई महत्व नहीं, और शरीर नहीं केवल आत्मा भटकती रहे तो क्या बोलोगे साहब, भूत लग गया, उसको लग गया, वो भूत इसके अंदर घुस गया, वो भूत इसके अंदर घुस गया, तो ये हो गया आत्मा के शरीर के बिना वाली आत्मा और आत्मा के बिना वाला शरीर, मृत शरीर। तो दो पहलू है, हमने इस शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, किया ही है, तभी तो मारवाड़ छोड़ करके यहाँ आए, ये शरीर के लिए किया है तभी तो आए हैं, शरीर संसार के लिए कर रहे हैं तभी तो आए हैं। ये कमाई करना, ये व्यापार करना, ये सब किसके लिए, ये कमाई कहाँ के लिए हो रही है? सुन रहे हो कि नहीं, आवाज पीछे आ रही कि नहीं आ रही? ये सारी कमाई कहाँ के लिए हो रही है? जब तक शरीर है तब तक शरीर के लिए हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि शरीर के पश्चात भी एक बहुत बड़ी यात्रा है। आपने गाना सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के, गांव जाना है वहां हाथी न घोड़ा है, वहां कैसे जाना है? वहां गाड़ियां नहीं है, वहां मोटरसाइकिल नहीं है, वहां बजाज का स्कूटर नहीं है, वहां कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर यहां पर आपने भजन किया है, यहां पर आपने दान पुण्य किया है, यहां पर आपने सत्कर्म किया है, तो आगे वाली यात्रा है वो आपकी बड़ी सुगम हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी पूछो मत। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ बात संतों ने भजन की बताई है। भजन की यात्रा बहुत श्रेष्ठ है, और यह हो कब सकती है? 83,99,999 योनियों में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मात्र एक योनि हमें प्राप्त हुई है यह कार्य करने के लिए, वो कौन सी योनि है? यह मानव जीवन है। इस योनि में ही, इस जीवन में ही हम लोगों को यह कार्य करना है, और कितना मिला है यह किसी को नहीं पता है। बीत गया यह तो पता है कि मैं 40 वर्ष का हो गया, मैं 50 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, बीत गया यह सबको पता है। आप लोग इतने 200-300 लोग बैठे हैं, इसमें से बता दो कि कोई यह बता दे कि मेरे पास में अब और उम्र इतनी बाकी है। मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं, कोई बता सकते हैं क्या? बात करे कल की खबल नहीं बल्कि एक क्षण का भी नहीं बता सकता व्यक्ति कि मेरे पास में कितना समय शेष रहा है, कोई नहीं बता सकता। जब ऐसा क्षण भंगुर शरीर है, जब ऐसी क्षण भंगुर काया है, तो इस क्षण भंगुर काया से हमें अत्यधिक क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इस क्षण भंगुर काया से, जिसमें हमें जीवा प्राप्त हुई है, जिसमें हमें कान प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें हाथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें पांव प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें आंखें प्राप्त हुई है, इन सब का सदुपयोग करना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि आप कमाई कर रहे हैं, दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता जी भी बोलते हैं कि आप कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा कभी मत करो, कर्म करने का आपका अधिकार है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कर्म करने की अपेक्षा फल ज्यादा प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं। कर्म तो किया ही नहीं, और कर्म नहीं किया और फल की इच्छा प्राप्त कर लेते हैं।
जैसे आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि आजकल कई ऐसी कंपनियां आती है जो बोलती है साहब इतना इन्वेस्ट करो तो आपको इतना मिलेगा, आती कि नहीं आती है? आपने सुना भी होगा, मारवाड़ में तो काफी लोगों को लूटपाट करके ले गए थे वो कंपनी, बोले इतना रुपया दोगे तो उसका इतना रुपया मिलेगा। अब आपने क्या सोच लिया कि इतना रुपया मिलेगा तो हम इस इतना रुपया के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये पता नहीं कि एक दिन वो कंपनी आई और आपका जितना रुपया था बटोर करके ले गई। अभी संजीवनी, आपको बताओ तो राजस्थान में एक संजीवनी नाम की कंपनी थी, लाखों लोगों ने लोन लिए या लाखों लोगों ने उसमें अपने क्रेडिट जमा करवाए, खूब सारे पैसे जमा करवाए। आज 800 करोड़ की कंपनी एक सेकंड में धोखाधड़ी के मामले में खत्म हो गई, हजारों लोगों की करोड़ों रुपए उसके अंदर, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए उसके अंदर चले गए। लेकिन क्या कामना क्या करी, हम इतना सा पैसा लगा करके हम इतना पैसा उससे प्राप्त कर लेंगे, फल की इच्छा हमने पहले करी तो हमें फल नहीं मिला और उल्टा दुख प्राप्त हो गया। यही तो मानव जीवन में बड़ी भारी परेशानी है। इसलिए गीता जी ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा कभी भी, फल देना किसके हाथ में? आप इतनी मेहनत करते हो आखिर में फल देना किसके हाथ में बताओ? आप परमात्मा के हाथ में है कि नहीं? किसान खेती करता है और कोशिश करता है कि मुझे इतना मिल जाए, जीरे की फसल बोता है, लेकिन जीरे की फसल देना किसके हाथ में? अगर बारिश हो गई हो तो, बादल आ गए हो तो सपाट हो जावे। ये व्यापार के मामले में व्यापार का फायदा देना किसके हाथ में? आखिर में आप यही बोलोगे, देना परमात्मा के हाथ में, देनी हरि के हाथ है, इद की नहीं लिगार। श्री रामदास सिमरा ने वाणी में फुरमाया है कि भगवान के हाथ में अधिक एक लिगार बोलते हैं, एक पाई भी ज्यादा लेनी अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में देनी अपने हाथ में नहीं है, ये सारी प्रक्रिया परमात्मा के हाथ में। तो दई हमने शरीर के लिए तो बहुत किया और बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? हम हमारी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? तो बोले साहब आत्मा के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा के लिए करना पड़ता है सुमिरन, आत्मा के लिए करना पड़ता है भजन, आत्मा के लिए करने पड़ते हैं सत्कर्म, आत्मा के लिए करने पड़ते हैं धर्म के कार्य, आत्मा के लिए करने पड़ते हैं माता पिता के चरणों की सेवा, आत्मा के लिए करने पड़ते हैं निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा। ये सब क्या है? निस्वार्थ भाव से की हुई समाज की सेवा भी आपके आत्मकल्याण में काम आती है, निस्वार्थ भाव से की हुई माता पिता की सेवा यह भी आपके आत्मकल्याण के काम आती है। माता पिता की सेवा सामान्य सेवा मत समझ लेना। मेरे आज मन में विचार आया, मैंने कहा खूब लोग हैदराबाद आ गए हैं, खूब लोग सिकंदराबाद आ गए हैं, दक्षिण में आ गए हैं, लेकिन मैं आज सत्संग प्रवचन में कहूँगा कि आप लोग यहाँ आ गए हैं लेकिन पीछे माता पिता की सेवा का उचित प्रबंध करके आए कि नहीं आए? अगर आपके माता पिता साथ में हैं तो आप बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपके माता पिता गाँवों में हैं और उनके उचित सेवा का प्रबंध करके अगर आप